हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हम लोग कर रहे हैं सीएसएस के बारे में, कास्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू यूज सीएसएस इंटरनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए थे, इनलाइन सीएसएस टाइप वन, ठीक है, इंटरनल स्टाइल शीट, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। तो पहले हमने देखा इनलाइन का कॉन्सेप्ट और आज हम देखते हैं हाउ टू यूज इनलाइन। डिफरेंस हमने ये देखा था कि इनलाइन का मीनिंग है जब आप किसी पर्टिकुलर टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट एन इनलाइन कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आपको पूरे पेज के लिए कोई स्टाइल क्रिएट करना है, सो यहां पर हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की, राइट। सो लेट्स सी, प्रैक्टिकली चीजों को समझते हैं तो शायद बेटरली हम समझ पाएंगे कि हाउ टू यूज स्टाइल टैग। ठीक है, वहां पर हमने यूज किया था इंटरनल में स्टाइल एट्रीब्यूट, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्टाइल टैग की। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, अब लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था ये स्टाइल एट्रीब्यूट जो मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट स्टाइल एट्रीब्यूट, फॉन्ट साइज क्या रखना है, कलर क्या रखना है। ठीक, लेकिन इसका ड्रॉबैक हमने ये देखा था कि मल्टीपल टाइम यू हैव टू यूज द सेम। लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट एन अनदर एचटीएमएल पेज, तो यहां पर हम अब लेते हैं इसको टेस्ट सीएसएस 2.html, ठीक है, एंड देन वी विल गो फॉर एचटीएमएल, देन Flash HTML and inside we'll go for head, ठीक है, slash head, और हमने ले लिया इसको title and then slash title, okay, और हमने ले लिया CSS demo inline, ठीक है, sorry internal inline हम लोग देख चुके हैं internal, ठीक type। तो ये मेरा इंटरनल टाइप है, तो अब इस इंटरनल टाइप को हम कैसे यूज करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, ठीक है, सो दैट यू कैन व्यू दिस प्रॉपरली। तो ये मेरा भी हेड टैग हमने लिया, लेकिन नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि यहां पर हमने बॉडी टैग लिया, ओके, और बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में अब मुझे यहां पे मान लो अगर एक मैंने टेक्स्ट लिया सिंपल सेंटर में, अगर मान लो हमने टेक्स्ट लिया सेंटर टैग, ओके, और यहां पर अगर मैंने लिखा सपोज दिस इज डेमो ऑफ CSS, ठीक है, इंटरनल, ठीक। लेकिन अभी अगर हम इस टेक्स्ट को देखें, इफ आई रन दिस, ठीक, और अगर मैं इसको देखता हूं तो ये दिस इज डेमो बड़ा सिंपल सा आ रहा है ना, कि दिस इज डेमो जो आप देख रहे हैं इट्स वेरी सिंपल, लेकिन हम ये चाहते हैं, एक मिनट, CSS डेमो इंटरनल टाइप में हमारा कुछ टाइटल क्लोज नहीं हुआ है, ओके, ये टाइटल यही क्लोज हो गया एक्चुअली, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ओके, सो दिस इज CSS डेमो इंटरनल टाइप। तो ये जो दिस इज डेमो CSS इंटरनल आ रहा है, ठीक, एंड मैंने लिख दिया क्लास ऑफ CSS इन डेटा फ्लेयर समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये टेक्स्ट अगर आप अभी देखेंगे तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज द डेमो क्लास, इंटरनल क्लास, CSS डेटा फ्लेयर, ओके, लेकिन अब मुझे इस पे इफेक्ट चाहिए, ठीक है, मुझे इस पर अलग अलग इफेक्ट चाहिए, सपोज मैं मल्टीपल टाइम, एंड अगेन आई एम गोइंग टू यूज सम इनपुट टैग, वो भी हम देखते हैं। तो यदि आपको इंटरनल स्टाइल शीट यूज करना है तो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, नाउ इन हेड पार्ट वी आर गोइंग टू यूज स्टाइल टैग, कि अब हम जो टैग यूज करेंगे वो होगा हमारा स्टाइल टैग। तो यहां पर हमने लिखा सिंपल स्टाइल और स्लैश स्टाइल, और इसके बीच में नाउ वी आर गोइंग टू यूज द टैग नेम, जिस टैग को आपको क्रिएट करना है। तो मैंने यहां पर बोल दिया सपोज h1, आई वांट टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस h1 टैग, तो हियर यू हैव टू यूज दिस ओपन कर्ली ब्रैकेट, समझ में आ रहा है, स्टाइल एंड स्लैश स्टाइल के बीच में आपको h1 टैग को यूज करना है। और यहां पर मैंने बोल दिया फॉन्ट सपोज साइज हमने कर दी 20 सपोज, फॉन्ट सपोज फैमिली हमने यहां पर लिख दिया सपोज एरियल, ठीक है, और तीसरी फॉन्ट हमने ले ली फॉन्ट सॉरी कलर, सपोज कलर मैंने ले लिया यहां पे Anything color I'm going to check, ये blue वाले। तो ये तीन इफेक्ट अब मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। इन दिस वे यू कैन क्रिएट मल्टीपल टैग्स, राइट, कि आपको एक फॉन्ट के लिए लेना है, सेकंड किसी सेकंड स्टाइल के लिए लेना है। तो अब आप देखिए, यहां पर अगर मैं यूज करता हूं इसको h1, ठीक है, एंड स्लैश h1, दिस इज h1 एंड स्लैश h1, ठीक। सिमिलर वे आप कोई दूसरा h2 टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इसी तरीके से स्टाइल में एक और टैग ले लिया, एंड दिस इज सपोज h2, ठीक है, दिस इज एन h2 टैग। अब यहां पर हमने कुछ और प्रॉपर्टी चेंज कर दी, यहां पर मैंने फॉन्ट साइज कर दिया सपोज 30, ठीक है, फॉन्ट फैमिली हमने कुछ और चेंज कर दी है, दिस इज फॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली हमने ले ली सपोज टाइम्स न्यू रोमन, ओके, एंड देन इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया, सपोज द कलर इज नाउ
ब्राउन, ठीक है। तो ये इफेक्ट अब मुझे सेकंड टेक्स्ट पे चाहिए, तो हियर आई एम गोइंग टू यूज एस टू, ठीक है। ये मैंने एस टू टैग को यूज कर लिया और यहाँ पर आपने एक टैग ले लिया सपोज पी पैराग्राफ के लिए, ताकि दोनों अलग अलग टेक्स्ट हमें दिखें। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको पूरे पेज पे मल्टीपल टाइम अगर टैग को यूज करना है, तो बेटर रादर देन गो टू दिस इनलाइन, हियर वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड इंटरनल स्टाइल शीट। कि अब हम इंटरनल स्टाइल शीट को यूज कर रहे हैं, तो इंटरनल स्टाइल शीट का कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि इनसाइड दिस स्टाइल यू हैव टू क्रिएट योर ऑन टैग। ये मैंने अपने टैग क्रिएट करें, देखो आप इफेक्टिव। तो अगर मैं इसको रन करता हूं एनसी, ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है एनसी दिस सेकंड इफेक्ट, राइट। तो दोनों के इफेक्ट हमें अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज एच वन टैग फॉर दिस वन। ऐसे ही मान लो अगर मैं अब मुझे मल्टीपल टाइम यूज करना है, सपोज मैंने लिख दिया अगेन पी, या मान लो हम कोई फॉर्म बना रहे हैं फॉर्म, ठीक है। अभी हम फॉर्म टैग हमने ले लिया फॉर्म स्लैश फॉर्म, इस पर आपने सपोज एक यूजर नेम का ऑप्शन लिया है, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी ये कोड लिखा है तो हम उसी को यूज कर सकते हैं, ये जस्ट सेव द टाइम। ये देखिए अब ये फॉर्म टैग है हमारा, ठीक है। अब इस फॉर्म टैग को अगर मैं यूज करता हूँ, फॉर्म हमने पढ़ा है सो इट इज नॉट अ न्यू टैग फॉर अस, ओके। ये देखिए मैं अगर इसी फॉर्म टैग को यूज करता हूँ, लेकिन अब यहां से हमने स्टाइल प्रॉपर्टी को हटा दिया, ये देखिए आप ये फॉर्म टैग, ठीक है, ये फॉर्म टैग हमने लिया। और इस फॉर्म टैग से अब मैं स्टाइल प्रॉपर्टी को हटा देता हूं, है ना, या स्टाइल इसमें रहने देते हैं। हम चाहते हैं ये जो एंटर यूजर नेम पासवर्ड लिखा हुआ है, मुझे इस पर इफेक्ट लाना है, तो हियर आई एम गोइंग टू यूज सपोज एच वन, और यहां पर मैंने स्लैश एच वन लिखा, दिस इज स्लैश एच वन, ओके। And then after, यहाँ पर मैंने ले लिया again H1 and this is slash H1. तो ये जो text है, now you can find this text in this format. ये देखिए आप, अब मैं अगर इसको use करता हूँ, now if I'm going to run this, see, ये देखिए आप, ये मेरा text box, ये मेरा text box, और ये effect मुझे इस पे भी show हो रहा है। तो once I can create this style tag, ठीक है, जो हमने use किया style tag को, ठीक, और इनसाइड दिस वी सेट द प्रॉपर्टी, कि मैंने अलग अलग दो प्रॉपर्टी सेट कर लिए। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टी यू कैन सेट मोर देन वन प्रॉपर्टी है। तो अभी हम केवल एक एक एग्जांपल अभी देख रहे हैं डेमो को लेके, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ कि हमें इनलाइन को कैसे यूज करना है, हमें इंटरनल को कैसे यूज करना है, हमें एक्सटर्नल को कैसे यूज करना है। लेकिन उसके बाद आप देखिए इफेक्टिव, कि एक बार आपको बस H1 पूरे पेज पे मल्टीपल टाइम यू कैन यूज दिस H1 टैग H2 टैग, आप मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हैं। So that is what an advantage of internal as compared to inline. कि अगर आप inline use कर रहे हैं, तो inline में आपको multiple time ये tag लिखना पड़ेंगे, है ना? जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो आप ये देखिए आप style, 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 multiple time, और multiple property हुई, so it's quite difficult to manage it. और यहाँ पर आप कितनी भी property set कर सकते हैं। So this is how to use internal CSS type in HTML page. कि यदि आप इंटरनल सी एस एस टाइप यूज कर रहे हैं, सो हाउ यू कैन यूज इट, समझो बच्चे, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने स्टाइल शीट स्टाइल टैग यूज किया, इनसाइड दिस स्टाइल हमने दो टैग क्रिएट करें अपने H1 और H2, ठीक, दिस इज वॉट द टैग्स वी क्रिएटेड, एंड देन आफ्टर विल अप्लाई दिस H1 एंड H2 जहां भी आपको इसको अप्लाई करना है, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। इसके रिजल्ट आपको इस तरीके से दिख जाएंगे, ये देखिए ये अपना H1 का, ये H1, ये H2, सिमिलरली ये H2 तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अपन ने सबमिट पे लिया। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल CSS टाइप। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम इंटरनल को यूज करेंगे, किस तरीके से हम इनलाइन को यूज करेंगे, ठीक है। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। और अब आप देखिए यहाँ पर भी क्या है, कि ये जो आपने H1 H2 स्टाइल शीट बनाई, क्या मैं इसको किसी दूसरे पेज पे यूज कर सकता हूँ? मान लो मैंने ये मेरा दूसरा पेज है टेस्ट सीएसएस 1.html, हमने जो स्टाइल टैग क्रिएट किया है वो सेकंड पेज पे किया है। तो यहां पर अगर मैं H1 को यूज करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा H1 स्लैश H1, ठीक है, और मैंने लिख दिया सपोज हेलो फ्रेंड, ओके, और ये हमने यहाँ पे BR टैग लिया, ठीक है। तो यहां पर मुझे वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है, सेम पेज, इसको रहने देते हैं। आप देखिए मैं इसको रन करता हूं अपने वाले पेज को जिस पे हमने लिया है, सेम टैग मुझे यहां पर, आप देखिए दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं, कि यहां पर मुझे H1 का टैग अलग दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने एक सिंगल पेज के लिए H1 H2 टैग को क्रिएट किया है, ठीक है। दिस H1 एंड H2 टैग आर बेसिकली फॉर दिस सिंगल, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जो हम बात कर रहे थे इंटरनल,
हम जो बात कर रहे थे ना इंटरनल सीएसएस टाइप, दिस इज ओनली फॉर अ सिंगल पेज, नॉट फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्ट। पर अगर आप चाहते हैं कि ये टैग कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए यूज हो तो विल गो फॉर एक्सटर्नल, वहां पर हम एक्सटर्नल को यूज करेंगे। तो इनलाइन इज फॉर सिंगल टैग, इंटरनल इज फॉर सिंगल पेज और एक्सटर्नल इज फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट। कि मल्टीपल पेजेस हैं अगर एक प्रोजेक्ट में, एंड यू वांट टू अप्लाई द सीएसएस इफेक्ट टू ऑल द पेजेस, सो दैट वी विल गो फॉर एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ इसको देखिए, तब चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बताया, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताया, अब बारी आपकी है कि आप इसको कितना बेस्ट प्रैक्टिकल कोड लिख के चेक कर सकते हैं। बहुत आसान है, केवल आपको एक बार कोड रन करके देखना है, फिर आगे तो इसके इंप्लीमेंटेशन हम देखने ही वाले हैं। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको साथ में लेके चलिए, ठीक है? और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।